और इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं चमन पलानिया का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं चमन, लेकिन उनके पास मैं आऊं, इधर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि उत्तराखंड राज्य में सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को उन्होंने इसके लिए बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये पूरी जो खबर है ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री का ट्वीट है, जिसमें उत्तराखंड राज्य में सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को बधाई दी है। पुष्कर धामी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही कमान संभाली है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। और उत्तराखंड की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, देवभूमि के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन जन की भागीदारी अहम होगी। कोरोना महामारी से चल रही जंग में देश में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि देश भर में 98 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। पंजाब के जलंधर से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आए, उससे पहले आपको एक बार फिर से ये खबर बता दें। दरअसल कोरोना महामारी से चल रही जंग में देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि देश भर में 98 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, यानी कि हम 100 करोड़ डोज के उस लक्ष्य के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रवि, एक वादा था प्रधानमंत्री और मोदी सरकार का, उस ओर बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हम इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत। प्रीति, बिल्कुल, क्योंकि 2 करोड़ अब दूर हैं हम, जो सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया था। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 18 या 19 तारीख में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन और भी है, क्योंकि बीच में कुछ त्यौहार भी थे और सैटरडे संडे था। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर में 100 करोड़ का एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो भारत हासिल करने के लिए जा रहा है। और 98 करोड़ अब से थोड़ी देर पहले ही, एक 98 करोड़ भी बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि तमाम जो देशों ने जो हासिल नहीं कर पाए, तमाम देश, वो भारत हासिल किया है। और 100 करोड़ लक्ष्य पूरा करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का जो पेस है वो धीमा पड़ जाएगा, वो गति उसी तरीके से बरकरार रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 2.5 करोड़ तक पहुंचा था। तो लगातार जो है टारगेट पूरा किया जा रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के आखिर तक जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, जो 18 से ऊपर के लोग हैं, उनका पूरी तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए। जी रवि, शुक्रिया। पंजाब के जालंधर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां सड़क पार कर रही 2 लड़कियों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी लड़की की हालत गंभीर बताई गई है। और इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसे आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि 2 लड़कियां सड़क पर पार करने के लिए लगातार किनारे पर खड़ी हैं थोड़ी देर के लिए, और लड़कियों ने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन कार को तेज रफ्तार में आते देखकर वो पीछे हट गईं। लेकिन बेकाबू कार ने किनारे खड़ी लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें लड़कियां कई फीट ऊपर उछल गईं और फिर जमीन पर गिरते ही एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद कार सवार मौके से फरार है, जिसे गुस्साए लड़की के परिवार वालों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। चमन पिलानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चमन, ये सीसीटीवी वीडियो बेहद खतरनाक है, और बता रहे हैं कि किस तरह से वो ड्राइवर बेकाबू था और उसने रौंद दिया इन लड़कियों को। जी देखिए, ये जो घटना है, ये जलंधर के पास फगवाड़ा हाईवे है, गनोली जगह है, वहां की घटना है। और सुबह 8:30 बजे के करीब ये घटना हुई थी, और इस पे जो अभी आरोपी बताया जा रहा है फरार, जो भी उसकी हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। और पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जो उसने इन 2 लड़कियों को कुचला था, जिस और मौके पर ही जो एक लड़की की जो है वो मौत हो गई थी, और दूसरी जो लड़की है वो अभी हॉस्पिटल में है, और उसकी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। जी जी चमन, शुक्रिया।